मैं अपने तमाम आर्टिस्ट भाइयों से जो एक्टर बनना चाहते हैं, यूपी और बिहार के, खास करके उन एक्टरों से जिनमें एक बहुत बड़ी कमी है, वो जब भी अपने से बड़े किसी भी एक्टर को देखते हैं, डायरेक्टर को देखते हैं, प्रोड्यूसर को देखते हैं, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। सर हमारे लिए कुछ कीजिए, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं बहुत गरीब घर का बेटा हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास रहने के लिए नहीं है, एक बार मौका दीजिए। आप नहीं मौका देंगे तो कौन मौका देगा? आखिर में कोई ना कोई तो मौका देता ही है, तो आप ही क्यों नहीं देते हैं? आपसे बड़ी उम्मीद है, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैर पड़ रहा हूँ। मेरे भाइयों प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि आप किसी के सामने हाथ मत जोड़िए, किसी से भीख मत मांगिए, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढिए, खुद को अपना गुरु बनाइए, टाइम पर उठिए, टाइम पर सोइए, टाइम पे खाना खाइए, कहानी पढ़िए, किताब पढ़िए, गूगल पर एक्टिंग कैसे सीखें सर्च करिए, मैं भी डालता जा रहा हूँ, उसको देखिए, लिटरेचर पढ़िए, सिनेमा देखिए, अच्छा अच्छा सिनेमा देखिए। लेकिन अगर आप किसी के सामने हाथ जोड़ेंगे तो भीख ही मिलेगा, वो काम तो देगा नहीं, उल्टा उसकी निगाह में आपकी इमेज और खराब होगी। ये मेरा तजुर्बा है, मैंने अपनी जिंदगी में हाथ नहीं जोड़ा। हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का सम्मान ना करें। आप एक बार कहिए, सर एक बार मुझे ट्राई कीजिए, देखिए अगर मैं अच्छा काम कर लेता हूं, उसे देना होगा तो एक ही बार में दे देगा, नहीं तो 50 बार कहोगे तो गुंडा के पीछे लाठी लेके खड़ा कर देगा। आप यह डिसाइड करो कि आपको किस तरह का रोल करना है, गुंडा के पीछे खड़ा होना है, हीरो के 10 दोस्त हैं आपको एक दोस्त बनना है, क्राउड में डांस करना है, इसे एक्टर नहीं कहते हैं। अगर यह काम करना है तो फिर आज ही एक्टिंग से संन्यास लेने की सोच लीजिए। एक्टिंग एक जुनून है, एक पागलपन है। एक्टिंग वो है कि अगर आपको एक्टिंग करने को ना मिले तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, और इसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी है। तो पहला सबसे बड़ा गुरु मंत्र, किसी के सामने हाथ मत फैलाइए, सम्मान करिए लेकिन अपना खुद का भी सम्मान बना के रखिए। आप किसी के सामने हाथ जोड़ने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारे फेसबुक पर, हमारे व्हाट्सएप पर, बतासा चाचा हमारे लिए कुछ करिए, बतासा चाचा ससुर का करिए, बतासा चाचा तो खुद स्ट्रगल करता हूं, भोजपुरी में जगह बोले हुआ, हिंदी का दिन स्ट्रगल करता हूं। हां हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। तो आपके जैसे एक से लेके हाई स्कूल तक, जब तक आप पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं सातवीं आठवीं नौवीं नहीं पढ़ेंगे तब तक हाई स्कूल का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से एक्टिंग में भी है। नौरस पढ़िए, स्पीच पढ़िए, डायलॉग डिलीवरी पढ़िए, क्लियरिटी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे अभिनेताओं की एक्टिंग देखिए, किताब पढ़िए। एक किताब है स्तानिस्लावस्की की, अभिनेता की तैयारी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं लेकिन बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, वो ले लीजिए। इसके अलावा हम बीच बीच में वर्कशॉप करेंगे, हम आपको यूपी और बिहार में वर्कशॉप करेंगे तो हम आपको बुलाएंगे। हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर आप वर्कशॉप ना भी करें तब भी आप अभिनेता बन सकते हैं, अगर आप किताब पढ़ते हैं, अगर आप कहानी पढ़ते हैं और आप खुद को तैयार करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते, अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते तो आपको अभिनेता बनने का हक नहीं है। मैं आज से आपसे कह रहा हूं, आज से आप लोगों के सामने भीख मांगना बंद कर दीजिए। आज से आप किसी को नहीं बोलेंगे कि सर मुझे कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए, ये नहीं। अगर आपको लगता है मेरे अंदर कुछ है तो काम दीजिए, आपको देगा। आपको हर आदमी को जरूरत है अच्छे अभिनेता की, तो अपने ऊपर पहले तैयारी कीजिए, 1 साल 2 साल अपने लिए दीजिए। अच्छे अभिनेता के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरों आपकी इज्जत नहीं करेंगे।